सत्य का निर्णय स्वयं करें। दोनों धर्मों में समानता व अंतर। ब्रह्मा कुमारीज और जैन धर्म में हम देख रहे हैं क्या समानता है और क्या अंतर है। आज उसका भाग 4 देखेंगे। जैन ग्रंथों के अनुसार अहर्त देव ने संसार को द्रव्य आर्थिक नय की अपेक्षा से अनादि बताया है, जिसे हमने कल देखा था कि सत्य के आधार से आध्यात्मिक रूप से संसार 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व अनादि और अनंत है। उनको कभी परमात्मा ने बनाया नहीं। परमात्मा कुछ नहीं से कुछ नहीं बना सकता। कोई भी कुछ नहीं से कुछ नहीं बना सकता। परमात्मा कहते बच्चे, ये सभी चीजें हमेशा थी, हैं और रहेंगी। विज्ञान की दृष्टि से भी हमने कल देखा कि 118 तत्व हैं और किसी भी तत्व को हम नष्ट भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये हमेशा थे, हैं और रहेंगे। चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, वैज्ञानिक दृष्टि से एवरी एलिमेंट हमेशा था, है और रहेगा। ये है उसका सत्य स्वरूप, जो नित्य है, जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अपना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो परमपिता परमात्मा परमधाम से आकर हमें समझा रहे हैं और जैन धर्म जो बता रहा है, दोनों में एकदम समानता है। दूसरा विषय है, जगत को ना तो कोई करता है और ना जीवों को कोई सुख दुख देने वाला है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव सुख दुख पाते हैं। यहां हमें एक बात समझनी होगी कि जैन धर्म के अंदर जीव और आत्मा ये एक ही बात है, जिसे हम तीसरे विषय में समझेंगे, जीव या आत्मा। कहने का भाव ये है कि परमात्मा जगत का कर्ता नहीं और जीवों को या आत्माओं को कोई सुख व दुख देने वाला नहीं। हर एक आत्मा अपने कर्म के अनुसार सुख व दुख पाती है। जीव या आत्मा अपने कर्म अनुसार सुख व दुख पाती है। शॉर्ट में हम समझेंगे कि परमात्मा किसी भी आत्मा को सुख व दुख नहीं देता है। अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा परमपिता परमात्मा आकर के बिल्कुल इसी बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, नंबर एक तो मैं आया हूँ सारे संसार के धर्मों का सार अर्थात सत्य समझाने के लिए। ये सत्य है कि मैं किसी भी आत्मा को सुख व दुख नहीं देता, क्योंकि मैं अभोक्ता हूँ, मैं शरीर धारण नहीं करता हूँ। मैं भी यदि सुख व दुख दूँ तो मुझे वो सुख व दुख लेना पड़ेगा। वंडरफुल। परमात्मा कहते, मैं अभोक्ता हूँ, मैं कभी भी संसार को भोगता नहीं, मैं कभी किसी को सुख व दुख देता नहीं। हर एक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख व दुख पाती है, क्योंकि ये संसार का खेल ही
कर्मों का है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल खुद पाती है। यह हमें कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं कि बच्चे, हर आत्मा अपने कर्म का फल खुद कैसे पाती है। इसके लिए सबसे पहली बात समझनी है कि कर्म आत्मा करती है, ये शरीर नहीं करता। शरीर तो मात्र एक साधन है। आत्मा है तो आंखें देखती हैं, आत्मा है तो कानों से सुनती है, आत्मा है तो मुख से बोलती है, इस शरीर से सभी संदेश लेती है और इस शरीर को सभी ऑर्डर करती है। आत्मा नहीं है, जीव नहीं है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो कर्म करने वाली आत्मा और कर्म का फल भोगने वाली भी आत्मा है। तो कर्म करते समय बहुत ध्यान से हमें इस बात को समझना है, कर्म आत्मा ने करना है तो कर्म का फल भी किसने लेना है? आत्मा ने। अब आत्मा इस शरीर के अंदर आकर कर्म करती है और कर्म का फल भोगती है। अब एक आत्मा ने एक शरीर लिया, क्योंकि एक शरीर लिया और उस शरीर को छोड़ा तो क्या कहा गया? चल बसा। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म। आत्मा शरीर से निकलती है, जीव शरीर से निकलता है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो शरीर के लिए, आत्मा के निकलने के लिए कहा जाता है चल बसा। आत्मा यहां से चली और दूसरे शरीर में जाकर बस गई, दूसरा पार्ट बजाना शुरू किया। अब दूसरा पार्ट उसे किस आधार से मिला? क्योंकि जीव तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है। उसने एक जन्म में जो कर्म किए उसका फल अगले जन्म में प्राप्त करते हैं, किसी भी जन्म में प्राप्त करते हैं। परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे आत्मा परम धाम से जब इस संसार में आती है तो जो भी कर्म करती है उस कर्म का फल उस आत्मा को लेना ही होता है। क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा बराबर होती है। तो आत्मा ने किसी भी आत्मा को सुख दिया, अच्छा काम किया ना, सुख दे दिया, परंतु जब तक वो आत्मा उसे सुख वापस नहीं करेगी तब तक उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। ये परमपिता परमात्मा अब आके समझाते, बच्चे एक आत्मा ने किसी आत्मा को सुख दिया है, जब तक वो आत्मा उसे सुख वापस नहीं करेगी उसे इस संसार में रहना पड़ेगा, चाहे कितने भी वो ड्रेस शरीर बदल ले, ड्रेस या शरीर बदल ले, उसे इस संसार में रहना पड़ेगा, वो सुख उसे वापस करना पड़ेगा, और उस आत्मा को जिसने दिया है उसे भी इस संसार में रहना पड़ेगा वो सुख वापस लेने के लिए। दोनों को मुक्ति नहीं मिल सकती, ये कर्म बंधन है, ये इस संसार का बंधन है। और ठीक इसी प्रकार यदि किसी आत्मा ने किसी आत्मा को दुख दे दिया है, जब तक वो आत्मा दुख नहीं दे देगी, जब तक वो आत्मा दुख नहीं ले लेगी, इस संसार में रहना पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, अब परमपिता परमात्मा ने समझाया कि एक आत्मा ने किसी आत्मा को सुख या दुख दिया है, उसी ही आत्मा से उसी ही आत्मा को वो सुख व दुख मिलेगा। ये नहीं कि मैंने तो
उसे दुख दिया और उसने मुझे दुख दे दिया, हिसाब बराबर हो गया? नहीं। जैसे हम एग्जांपल से लेंगे कि मैंने मेरे बच्चे को किसी ने थप्पड़ मारा और मैंने उसको थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर। आज तक हम ऐसा समझते थे, आज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है उस आत्मा ने उस आत्मा को थप्पड़ मारा, वो आत्मा जब उसे थप्पड़ मारेगी तो उनका अकाउंट बराबर होगा, और मैं आत्मा ने जिसे थप्पड़ मारा है वो आत्मा जब मुझे थप्पड़ मारेगी तो अकाउंट। कोई भी दूसरी आत्मा किसी अन्य आत्मा से अकाउंट बराबर नहीं कर सकती, क्योंकि हर आत्मा को अपना अकाउंट खुद बराबर करना है। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, जिस आत्मा को जितना सुख व दुख दिया है उतना ही वो सुख व दुख देगी, यहां इंटरेस्ट नहीं लगता, यहां कटौती नहीं होती। समय का अंतर आ सकता है कि वो दो जन्म बाद, तीन जन्म बाद, चार जन्म बाद, पांच जन्म बाद, दस जन्म के बाद वो उसे सुख व दुख दे, हिसाब बराबर करें। बहुत मोटी सी लाइन याद रखनी है, हिसाब बराबर किए बिना किसी भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, चाहे कितना वो पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, जो मर्जी कर ले। जिसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने किसी आत्मा को दुख दे दिया है, बहुत दुख दे दिया, और मुझे समझ में आया ओहो मैंने बहुत गलती किया, परंतु अब मैं उसका भला करना शुरू कर देता हूं, उसे सुख देना शुरू कर देता हूं। अब मेरे उसे सुख देने से समझ में आया कि जितना मैंने उसको सुख दिया है उतना वो सुख मुझे देगा, और जितना दुख दिया है वो दुख भी मुझे देगा, और मैं वो दुख लेना नहीं चाहता। अब इससे एक ही इलाज है कि परमात्मा के पास जाऊं, क्षमा मांग लूं तो मुझे माफी मिल जाएगी। पहली बात, जिसे मैंने दुख दिया है वो मुझे क्षमा नहीं कर सकता। दूसरी बात, परमात्मा मुझे क्षमा नहीं कर सकता, भल वो मुझे अभी क्षमा कर दे। पहले हम उसकी बात को ध्यान से देखें कि मैंने किसी को बहुत दुख दिया और उसके बाद मैं उसके पांव पड़ गया कि मेरे को क्षमा कर दे, उसने मुझे क्षमा कर दिया, मीन्स अब वो दुखी नहीं है। तो याद रखे, जितना उसने दुख की फीलिंग की है वो मुझे उतना दुख की फीलिंग से नहीं बचा सकता, परंतु अब वो दुखी नहीं है इसलिए उतना ही दुख मुझे देगा जितना उसने दुख की फीलिंग की, मुझे भी उतनी फीलिंग हो। अब मैं उतनी फीलिंग नहीं लेना चाहता तो मुझे परमात्मा का रास्ता पकड़ना पड़ा। मैं मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारे में गया, चर्च में गया, जहां मर्जी मुझे जितने भी धार्मिक संस्थान हैं सभी संस्थानों में से किसी भी संस्थान में मैं गया, ब्रह्मा कुमारीज में भी मैं गया, जो भी समझो, कितना पूजा पाठ जप तप व्रत नियम किया। अब आप फैसला करें कि भगवान मुझे माफ करेगा। यदि भगवान ये समझकर मुझे माफ कर दे कि बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा दान पुण्य पूजा पाठ व्रत नियम किया है, इसे माफ कर दिया जाए, तो उससे न्याय कौन देगा? सोच
भगवान न्याय करेगा या क्षमा करेगा। न्याय करेगा। तो ये बात आप परम पिता परमात्मा आकर समझाते हैं। जैन धर्म के अंदर भी इसी बात को हमने देखा कि वहां हर आत्मा को अपने कर्म का फल लेना ही लेना पड़ेगा, कोई माफी नहीं। माफी शब्द उन्होंने लिखा नहीं है, परंतु यहां हम समझ लें कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को देख रहे हैं और जैन धर्म को देख रहे हैं, दोनों में समानता है, परंतु आगे एक्सप्लेनेशन करने में कोई भी गलती कर सकता है, मैं भी गलती कर सकता हूं, कोई भी गलती कर सकता है, क्योंकि हद में है। परंतु परमपिता परमात्मा स्वयं आकर अब पढ़ा रहे हैं, अब एक एक बात समझा रहे हैं, वही सत्य हैं और वही सत्य बता सकते हैं। ये जानने का हक आप हर एक आत्मा को है, हर एक आत्मा को, और आप सबको ये हार्दिक निमंत्रण है, ये ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप आकर इसको समझें। तीसरा विषय लिया गया है जीव या आत्मा का मूल स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध और सच्चिदा आनंदमय है। केवल पुद्गल पुद्गल या कर्म के आवरण से उसका मूल स्वरूप आच्छादित हो जाता है। जीव या आत्मा वास्तव में तो शुद्ध है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और आनंदमय है। ये सच्चिदानंदमय है, इस बात ने इसमें कोई शक नहीं है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, परंतु परमात्मा अभोक्ता होने के कारण सदैव आनंद स्वरूप है, और आत्मा भोक्ता होने के कारण जैसे जैसे भोगती जाती है उसके गुण आनंद प्रेम शांति पवित्रता ये कम होते जाते हैं। क्योंकि पुद्गल या कर्म क्योंकि शरीर के द्वारा करना है, अजीव के द्वारा करना है, अजीव के अंदर आकर जब वो इसको भोगती है तो सबसे पहली गलती आत्मा के द्वारा क्या होती है उसे परमपिता परमात्मा समझाते कि वो इसे मेरा समझ लेते। पहले जब आती है तो ये समझती है कि मैं आत्मा हूं, मैंने इस शरीर से खेल करना है, इस शरीर से खेल करना है, ये अजीव अलग है और मैं अलग हूं, ये उससे स्मृति रहती है। परंतु जैसे जैसे वो इस शरीर को भोगते भोगते मेरा शरीर और तेरे शरीर के बंधन में आती है। ये पहला कर्म शरीर को धारण करना तो क्या हो गई, आच्छादित हो गई, धीरे धीरे इतनी आच्छादित हो गई, इस शरीर से कर्म करते करते इतनी आच्छादित हो गई कि अपने आप को ही शरीर समझ गई। आज सारी दुनिया किसी से भी हम बात करें, कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा महात्मा हो, कितना बड़ा गुरु हो, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सब अपने आप को देह समझते हैं। कोई भी अपने आप को आत्मा समझता ही नहीं, जबकि सच ये है कि हम आत्मा हैं। जिसके लिए हम बहुत छोटी सी बात समझने का प्रयास करेंगे, एक है ये हड्डी मांस का पुतला,
दूसरा है आत्मा। जब हड्डी मांस के पुतले में आत्मा आती है तो जीव आत्मा कहलाती है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को जीव कह दिया और इस हड्डी मांस के पुतले को अजीव कह दिया। अजीव जमा जीव जीवन है, जब तक ये दोनों ना मिले तब तक जीवन नहीं है। अंग्रेजी में से कह दिया ह्यूमन, ह्यूमन शब्द ह्यूमस से आया है, ह्यूमस माना मिट्टी सोइल, जमा सॉल आत्मा। जब मिट्टी में आत्मा चैतन मिलता है तो इसे कहा जाता है ह्यूमन बीइंग। अब अलग अलग भाषा के अंदर कुछ भी कहा गया हो, अजीव जमा आत्मा या जीव मानव जीवन, क्योंकि जीव इस जीवन इस शरीर से निकला, अजीव से निकला, ये दोनों अलग हुए तो जीवन समाप्त। परंतु जीव कभी नष्ट नहीं होता, उसने जाकर दूसरा शरीर ले लेना है। अब उस आत्मा के अंदर हमें परमपिता परमात्मा ने समझाया कि तीन चीजें हैं, मन बुद्धि और संस्कार। मन का काम है, बुद्धि के मन का काम है पूरे शरीर से मैसेज लेना और बुद्धि तक पहुंचाना, और बुद्धि का काम है निर्णय करना क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो कर्म हम बार बार करते जाते हैं वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। ये आत्मा के तीन है, आत्मा का मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों मिलकर के आत्मा कहलाते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलता है, जीव शरीर से निकलता है, फिर ये शरीर सोच नहीं सकता, फिर ये शरीर कोई फैसला नहीं कर सकता, ये किसी आदत या संस्कार के अनुसार कर्म नहीं कर सकता। आत्मा ये तीनों साथ लेकर चलती है। जो संस्कार, इसलिए कहा जाता है कि पूर्व जन्म के संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार आत्मा अपने साथ लेकर के जाती है, हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड करती है। जो जो अकाउंट बराबर होता जाता है वो संस्कार लुप्त होता जाता है, जिसका अकाउंट बाकी रहता है वो उस आत्मा में संस्कार बने रहते हैं। तो आत्मा जो सत्य है, जीव जो सत्य है, वो इस अजीव में आकर कर्म करते करते, रोल प्ले करते करते अपने आप को भूल गया, विस्मृति हो गई। ये विस्मृति ही दुख का कारण है, क्योंकि जो मैं हूं उसे मैं भूलकर, जो मैं नहीं हूं उसे मैं समझकर मैं दुखी हो रहा। शरीर इसलिए दुख का कारण बन गया। महावीर जी ने इस शरीर को और अधिक कष्ट देने के लिए कहा, क्योंकि ये शरीर ही दुख का आधार है। शरीर समझना दुख का आधार है। वास्तव में हम आत्मा हैं, जीव हैं, ये शरीर नहीं है। तो हमें समझ में आया जीव या आत्मा का मूल स्वमान शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंदमय है, केवल पुद्गल शरीर के द्वारा कर्म करने के कारण वे ढकी हुई है। दोनों धर्म बातें तो एक जैसी कर रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि सत्य को स्पष्टीकरण करने वाला स्वयं चाहिए। यदि महात्मा बुद्ध सॉरी महावीर जी या आहर्त जी जिन्होंने ये शब्द दिए वो अब आए तो वो सच समझा सकते हैं, परंतु कोई भी मनुष्य ने अपनी मर्जी से उनके अर्थ ले लिए। इसलिए परमपिता परमात्मा कहते, ज्ञान का सागर मैं हूं, मैं स्वयं आकर के एक एक राज स्पष्ट करता।
मैं ना आऊं तो कोई भी इस सत्य को दे नहीं सकता। चौथी बात आती है, जिस समय ये पौद्गलिक भार हट जाता है उस समय आत्मा परमात्मा की उच्च दशा को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा परमधाम से आई, आकर के उसने अपना पार्ट यहां बजाया। और जब आत्मा इस शरीर से अलग होती है तो वापिस परमधाम जाती है, तो परमात्मा समान हो गए। अब हमें यहां इस बात को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इसकी व्याख्या, इसके बीच में जो मिसिंग पार्ट है वो अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं। अब परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि हम सारे संसार की आत्माएं जो परम धाम ब्रह्मलोक शांति धाम निर्वाण धाम में रहते हैं, उसमें रहने वाली प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है। ये छोटी छोटी लाइट के डॉट ये आत्मा का परिचय दे रहे हैं कि ये आत्माएं, प्रत्येक आत्मा अद्वितीय है, प्रत्येक आत्मा अजर अमर अविनाशी है। क्या प्रूफ है उसका? तो हम उसे संसार में देखेंगे कि जितनी भी आत्माओं ने शरीर धारण किए हुए हैं, एक शरीर दूसरे से नहीं मिल सकता। एक आत्मा के शरीर के हाथों के निशान दूसरे से नहीं मिल सकते, एक की आंखें दूसरे से नहीं मिल सकती। सारे संसार की आत्माएं अद्वितीय है। अब परमपिता परमात्मा ने समझाया सारी आत्माएं ये सतयुग के अंदर जो सबसे पहले आत्मा है परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, 933 करोड़ देवी देवताएं, फिर जो आत्माओं के धर्म प्रचारक आते हैं जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट महावीर मोहम्मद शंकराचार्य, जितने भी धर्म संस्थापक पूरे वर्ल्ड में आए, उन सब धर्म को मानने वाली आत्माएं, सभी आत्माएं एक ही घर से आती हैं और एक ही घर जाती है। कहते भी हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है, जिसे निर्वाण धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, परम धाम ब्रह्म लोक, अलग अलग धर्म के अनुसार उसे कोई भी शब्द दिया गया हो, परंतु ये हम आत्माओं के घर का नक्शा है जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने परम धाम से आकर हमें सत्य बोध कराते हुए ये समझाया है कि हम आत्माएं ज्योतियां इस स्थान पर रहती हैं। तो हम सब आत्माएं एक ही घर से यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए आती हैं। हमने पिछले वीडियो में ये बात समझ ली थी कि ये सृष्टि अनादि और अनंत है, परंतु इस सृष्टि चक्र का आदि और अंत है। सृष्टि हमेशा थी, है और रहेगी, परंतु उसके अंदर जैसे दिन और रात चलते रहते हैं, अनादि काल से चलते आ रहे हैं और अनंत काल तक चलते रहेंगे, इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा समझाते ये संसार का चक्र चलता है, जो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो यहाँ हमें समझने वाली बात है कि हम आत्मा वापिस अपने घर जाती हैं। ये वो बिंदियाँ छोटी छोटी देख रहे हैं, ये सब जब कलयुग का अंत आता है, पाप और भ्रष्टाचार अति पर आ जाता है, तो परमपिता परमात्मा आकर इस समय में सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं जो अब आकर दे रहे हैं। जब इस धरती को आग लगेगी तो सारी आत्माएं परम धाम जाएंगी, और जब आत्माएं परम धाम जाएंगी तो जब ये धरती पूरी तरह वापिस सेट हो जाती है तो उसके लिए
आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं कैसे सृष्टि का चक्र का परिवर्तन होता है। तो मैं संक्षेप में यहाँ पर ले रहा हूँ कि आत्माएं घर गई और वापिस जब ये धरती एकदम सेट हो जाती है, साफ हो जाती है, सत्वप्रधान हो जाती है, तब 100% प्योर धरती को एंजॉय करने के लिए किस आत्मा को भेजा जाए। तो यहाँ परमपिता परमात्मा समझाते कि ये वर्ल्ड ड्रामा ऑटोमेटिक बना हुआ है और आत्माएं यहाँ से जब घर जाती हैं, घर जाने से पहले मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देता हूँ और आत्माएं ज्ञान को लेकर पवित्र बनती हैं, श्रेष्ठ बनती हैं, जो सभी धर्मों ने माना है। जब वो पवित्र बन जाती है योग के द्वारा, तप के द्वारा, अपने आप को सत्य मार्ग पर चलकर श्रेष्ठ बना लेती है, उसी हिसाब से उनकी मेरिट बनती है। और मेरिट के हिसाब से सबसे पहले जो 100% प्योर आत्माएं होती हैं वो 100% प्योर धरती को एंजॉय करने के लिए आती हैं। जैसे जैसे वो इस धरती को यूज करती हैं, ये धरती भी डिग्रेड होती है और आत्मा भी डिग्रेड होती है। जैसे जैसे धरती डिग्रेड होती है तो ऊपर से कम नंबर वाली आत्मा नीचे आती जाती है। जैसे जैसे धरती डिग्रेड होती जाती है ऊपर से आत्माएं नीचे आती जाती हैं। सतयुग के अंत तक जिनके 75+ मार्क्स थे वो आत्माएं धीरे धीरे नीचे आ जाती हैं। और इसलिए सबसे पहले 100% आत्माएं प्योर बहुत कम होती हैं, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है। इस जनसंख्या बढ़ने के फार्मूले को समझने के लिए परमात्मा ने समझाया कि जो आत्मा एक बार परमधाम से नीचे आ गई वो बीच में वापस नहीं जा सकती। जब तक परमपिता परमात्मा स्वयं आकर परमधाम वापस ना ले जाए, इसलिए जो आत्मा आती जा रही है वो यहीं एक शरीर ले, दूसरा, दूसरा शरीर से तीसरा, एक शरीर छोड़ने के बाद अगले शरीर में प्रवेश करती रहती है, परमधाम वापस नहीं जा सकती, कैवल्य को प्राप्त नहीं हो सकती, मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। वो आत्मा जन्म यहीं के यहीं, एक जन्म ले दूसरा यहीं लेती रहती है, अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर बराबर करती रहती है। जिसको सुख दिया उसे सुख लेना है, जिसको दुख दिया उसे दुख लेना, ये यहाँ बराबर करती रहती है। यहाँ पर कौन सी आत्माएं आना शुरू होंगी, जिनके 75 से कम नंबर हैं, 50 से जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं। जैसे जैसे धरती कमज़ोर होती जाती है और कम नंबर वाली आत्माएँ परम धाम से नीचे आती जाती है, जनसंख्या बढ़ते बढ़ते यहाँ 2 करोड़ होती है तो यहाँ 33 करोड़ हो जाती है, 33 करोड़ आत्माएं परमधाम से आ जाती हैं। अब यहाँ पर सिलसिला तो रुकेगा नहीं ना, यहाँ पर फिर से कौन सी आत्माएं शुरू हो जाएंगी, जिनके 50 से कम नंबर हैं। तो जिनके 25 से ज़्यादा नंबर हैं वो आत्माएं द्वापर युग के अंदर आती जाती हैं, उनका करैक्टर भी गिरता जाता है, जनसंख्या बढ़ती जाती है, संसाधन कम होते जाते हैं, पाप और भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाता है। उसके बाद कलयुग आता है तो 25 से कम नंबर वाली आत्माएं, जब सारी आत्माएं परमधाम से आ जाती हैं और ये दुनिया नर्क बन जाती है। परमात्मा कहते बच्चे जब यहाँ पाप और भ्रष्टाचार बढ़ता है तो मैं अपने बच्चों को, क्राइस्ट को, बुद्ध को, मोहम्मद को, नानक को, महावीर जी को, अपने बच्चों को भेजता हूँ जो आकर के संसार को रिपेयर करने की, संभालने की कोशिश करते हैं। परंतु आज सारे धर्म एकदम तमो प्रधान पतित हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं। जब ये सारा संसार भ्रष्ट और पतित हो जाता है तो मैं आकर फिर से सबको पावन बनने की विधि सिखाता हूँ, सबको पावन बनाकर घर ले जाता हूँ। पावन बनने में सब नंबरवार होते हैं, इसलिए सब नंबरवार आते हैं। मुक्ति सबको मिलेगी परंतु अपने अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से, फिर उसी हिसाब से वो आत्माएं नीचे आएंगी। तो ये सृष्टि के चक्र में कर्मों का हिसाब मिलता है। यहाँ हमें समझ में आता है कि आत्मा जब इस संसार में आई और आकर अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर किया, तब वो आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ
परम धाम में जाती है, परंतु वो परमात्मा नहीं बन सकती, क्योंकि यहां तो बताया गया उच्च दशा को प्राप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं, उच्च दशा को प्राप्त होते हैं, परंतु जैसे जीरो से कोई आत्मा पुरुषार्थ करके 5 नंबर तक जाए, कोई आत्मा 10 नंबर तक जाए, कोई आत्मा 20 नंबर तक जाए, कोई 50 तक जाएगी, कोई 100 तक जाएगी, अपनी दशा तो उसकी उच्च होगी, परंतु वो परमात्मा नहीं बन सकते। देव आत्मा बन सकती है, धर्म आत्मा बन सकती है, परंतु परमात्मा नहीं बन सकते। ये आत्मा और परमात्मा के बारे में थोड़ी सी जो आगे एक्सप्लेन करने में मिस्टेक रह गई, उतना स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ये ओरिजिनल जब महावीर जी ने, अर्थ जी ने जो भी बताया होगा, और वो कैसे बताया होगा, उसे लिखा कैसे गया, इसमें भी मिस्टेक हो सकती है। परंतु अब परमपिता परमात्मा आकर एक छोटी से छोटी मिस्टेक को समझा रहे हैं, जहां कोई गलती नहीं हो सकती। तो आप आकर इस सत्य को समझें। अगले वीडियो में हम करेंगे स्यादवाद क्या है। ओम शांति। से जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको दे रहा हूं। विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें या मोबाइल नंबर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें, या विश्व के 137 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे किसी भी सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करें।